में एक ओपन एरिया है, समर में सब स्टूडेंट्स लंच ब्रेक में यहाँ नज़र आते हैं, लेकिन क्योंकि सेशन कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी इस वक्त यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है। SLU हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ जो है वो तकरीबन 3000 है। तो ये जो स्टूडेंट स्टाफ रेशो है यहाँ की बहुत अच्छी है और ये इंटरनेशनल रैंकिंग में ये यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे है अपनी कैटेगरी में एग्रीकल्चरल साइंसेस में। तो और बहुत सारे फैक्टर्स के साथ ये भी एक वजह है इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप पे होने की। यह है फैकल्टी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड एनिमल साइंसेस। ये मेरी यहाँ की सबसे फेवरेट बिल्डिंग है, इस वजह से नहीं कि यहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट और ऑफिस है, बल्कि इस वजह से कि इसकी वाइब भी बिल्कुल डिफरेंट है और इसका आर्किटेक्चर कमाल है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। तो पूरे स्वीडन से लोग वेटनेरियन बनने, एनिमल साइंसेज और एग्रीकल्चरल साइंसेज की एजुकेशन के लिए यहाँ पे आते हैं। ओपन एक्सेस है जहाँ पे क्लासरूम्स हैं, लेकिन लैब्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। यहाँ पे सिर्फ जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं या जो इन लैब्स में काम कर रहे होते हैं वो अपने एक्सेस कार्ड के ज़रिए ही इन लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट है और ये इसकी सारी लैब्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी लैब्स हैं, यहाँ पे मोनोगैस्ट्रिक, रूमिनेंट्स और फिश की न्यूट्रिशन पे रिसर्च होती है। मास्टर थीसिस के दौरान मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे ये ऑफिस दिया था। और SLU की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहाँ का रिसर्च इन्वायरमेंट है, जिस तरह ये फैसिलिटेट करते हैं, जिस तरह ये प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाते हैं और जिस तरह रिसर्च की अथेंटिसिटी का ये ख्याल रखते हैं, माइंड ब्लोइंग। इतना ज़्यादा पैसा लगा मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कि मैं सोच नहीं सकता कि एक मास्टर थीसिस पे इतना ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा था कि उस पर मुझे फिर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रिसर्च के लिए। ये यूनिवर्सिटी मतलब समझ आती है कि ये रैंकिंग में टॉप पे क्यों है। ये वर्क टेस्ट हैं जो मास्टर स्टूडेंट को दिए जाते हैं थीसिस राइटिंग के दौरान। ये VHC फैकल्टी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड एनिमल साइंसेस का एक कॉरिडोर है, यहाँ पे ग्रुप रूम है और यहाँ पे वेटनरी के स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडीज़ करते हैं। यह देखिए ग्रुप 17 सिर्फ इसी रो में है, मतलब इतने ज़्यादा ग्रुप रूम है इस तरह बनाए गए हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो एक टाइम पर अगर ग्रुप स्टडी करना चाहें तो वो सारे अकोमोडेट हो जाएँ। ये डाइनिंग एरिया मखसूस है रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे प्रोफेसर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स सब लंच टाइम पे साथ में लंच करते हैं। हर बिल्डिंग में ऐसे मल्टीपल डाइनिंग एरियाज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए और इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि लंच टाइम पे सारे स्टूडेंट्स एक टाइम में अकोमोडेट हो सकें। और यहाँ पर ओवंस हैं जहाँ पे खाना गर्म कर सकते हैं, फ्रिज है जहाँ स्टूडेंट सुबह आके अपना खाना रख देते हैं और फिर लंच टाइम पे गर्म करके खा लेते हैं। हर बिल्डिंग की एंट्रेंस पे नोटिस बोर्ड हैं और इतना कुछ यहाँ पे हो रहा होता है कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गेट बोर्ड। रिसर्च फैसिलिटेशन की मैं बात कर रहा था तो उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर रिसर्च के दौरान ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको कार प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन पे कौन सी कार्स अवेलेबल हैं रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए। ये कार्स हैं जो रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने प्रोजेक्ट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वॉल्वो V70 रही है अपने प्रोजेक्ट के दौरान। जितनी देर मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया ये कार मेरे पास रही है और जितनी भी ट्रैवलिंग थी मैं इस पर करता रहा हूँ। मैंने आपको ओल्सोस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और अपनी फैकल्टी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड एनिमल साइंसेज दिखाई है।
अब मैं आपको बाकी ब्लॉक दिखाता हूँ जहाँ पे एग्रीकल्चरल साइंसेज, लैंडस्केप और फूड साइंसेज के कोर्सेज होते हैं। मेरा उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी अब मैं आपको उनका एक ओवरव्यू देता हूँ। उसके सामने ये बायो सेंट्रम है, यहाँ पे क्लासेस डिफरेंट बिल्डिंग में होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। कोई एक क्लासरूम स्पेसिफाइड नहीं होता, तो इस बिल्डिंग में भी हमारी कुछ क्लासेज होती रही हैं। आपको यूनिवर्सिटी के जो मेन स्पॉट हैं वो सब दिखाए हैं, और अगर आप फ्यूचर में ज्वाइन करने वाले हैं या आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो आई अश्योर यू दिस यूनिवर्सिटी विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। पूरे यूरोप से यहाँ स्टूडेंट आते हैं क्योंकि ये लीडिंग यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिंक्स बनेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं कह सकता हूँ आप मेरे नीदरलैंड्स में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में फ्रेंड्स हैं। एक नेटवर्क बना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एजुकेशन जो है वो क्रैमिंग या आपको वो रटाबाजी वाली नहीं है। आपको ट्रेन किया जाता है साइंटिफिक राइटिंग के लिए, और आपको तैयार किया जाता है साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस के लिए। पूरा प्रोसेस जो है वो आपको तैयार करता है एक रिसर्च वर्क के लिए, और इसमें आपका जो एजुकेशन है आपकी और या एग्ज़ाम है वो भी साइंटिफिक राइटिंग बेस्ड होते हैं। तो सारा प्रोसेस, जितने भी आप कोर्सेज लेते हैं, वो सब इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि उस सारे प्रोसेस में आपकी लर्निंग हो के रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनाने हैं, पेपर्स को रिव्यू कैसे करना है, लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो सब हर कोर्स में आपकी ट्रेनिंग इस तरह से होगी, और साथ में इतनी एक्साइटिंग साथ में इवेंट्स चल रहे होते हैं कि आप गारंटी वाली बात है कि आप बिल्कुल बोर नहीं होते। टाइम की कमी की वजह से आपसे इवेंट्स मिस हो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं बोर हुआ हूँ कैंपस पे। इतनी हैपनिंग लाइफ है यहाँ पे, और बहुत ही वाइब्रेंट लाइफ है, लाइवली लाइफ है यहाँ की। तो अगर आपका SLU के बारे में कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सब कमेंट्स की रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।